हेलो फ्रेंड, राम राम। कैसे सब? एकदम बढ़िया। देखो मीनू मौसी हर रोज की तरह आ जाती है, खूब सारी गपशप करवे काज है। और देखिए आज हमारे साथ गपशप करने के लिए कौन आई है? आप सब भाई की एकदम प्यारी भोली भाली गोपी बहू। हेलो जिया, सासू बेटिया में आपका बहुत स्वागत है। कैसी थैंक यू। नमस्ते। हो? मतलब एकदम बढ़िया, सब ठीक ठाक? सब ठीक भगवान की कृपा से। आई होप आपके साथ भी सब ठीक है। देखिए हम एकदम बढ़िया और चकाचक तुम्हारे सामने बैठे हैं। अच्छा ये बताओ, जब से नई गोपी बहू सबको दर्शन दिखाई है छोटे पर्दे पे, तब से सभी लोग इस गोपी बहू से मिलने के लिए बड़े बेकरार हैं। तो बताइए, ये गोपी बहू जो है वो पहली वाली गोपी बहू से कितनी डिफरेंट होगी? तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि ये पूरा एक नया शो है, एक नया किरदार है, नई कहानी है, और अब मैं हूँ गोपी का। आहा, गोपी का तो अच्छा। लेकिन गोपी का कहीं ना कहीं वैसी भोली भाली वैसी सीधी सादी है जैसी गोपी हती। तो अंतर बताइए, अंतर क्या है दोनों में, वो गोपी और ये गोपिका में? तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक नई कहानी है, एक अलग ही कैरेक्टर है, एक अलग ही शो है, इसका कुछ भी कंपैरिजन नहीं है पिछले शो से। तो जहाँ तक कि सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस है, क्योंकि हमने भी अभी जब भी जो शुरू किया है, मैं भी खुद समझ रही हूँ कि गोपिका क्या है, और मैं नहीं रिवील करना चाहूंगी कि गोपिका क्या है, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आप शो देखो। पर मैं इतना ये कहूंगी कि जब आप ये शो देखोगे आपको बहुत सारे सरप्राइजेस मिलेंगे। मैं इतना ये कह सकती हूँ कि ये थोड़ी अंडर कॉन्फिडेंट लड़की है, लेकिन बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, और कैसे इसकी लाइफ में एक मेंटर आती है और उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। मतलब वो क्या थी और क्या बन जाती है, तो एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन आपको देखने मिलेगा। तो उसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा तेरा मेरा साथ रहे, सोमवार से शुक्रवार स्टार भारत पर रात 8:30 बजे, देखिए ये सीरियल सिक्सटीन आने तो वाला है, लेकिन आने से से। पहले जिस सीरियल ने काफी ज्यादा एक ही प्रोमो जो है ना, दोनों प्रोमो बड़े हिट भए हैं। मतलब जिस तरीके से दिखाया है कि जो गोपिका है वो बहुत ज्यादा समझदार और बहुत ज्यादा निडर इस टाइप की लड़की है, और डरती काहू से नहीं है। तो ये बताइए गोपिका, आपके किरदार का अंदाज कैसा होगा इस बार? गोपिका, आपको जैसे मैंने कहा कि पहले आपको एक अलग लड़की दिखेगी, और जैसे जैसे शो आगे बढ़ेगा आप देखोगे ये लड़की क्या थी और अब क्या बन चुकी है। तो बहुत ही बड़ा आपको ट्रांजिशन देखने मिलेगा, और बहुत ही सारे ट्विस्ट और टर्न्स है। और हमारा एक ऐसा सास बहू शो है जहाँ पे सिर्फ सास बहू ड्रामा नहीं है, पर थोड़ा सा आपको कॉमेडी चीजें भी दिखेगी। तो हमने थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे कॉमेडी एंगल भी डाला है। सो इट्स यू नो ग्रेट कॉम्बिनेशन, एंड बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, बहुत अच्छे यू नो एक्सपीरियंस आर्टिस्ट है, तो सबके साथ काम करके बहुत कुछ सीखने मिलता है। एंड हम बस यही आशा कर रहे हैं कि यू नो हम अपना 100% जैसे दे रहे, लोग भी हमें वैसे ही स्वीकार करें जैसे उन्होंने हमें पहले किया है। अच्छा पहले की बात आई, देखिए टीम है, भले ही सीरियल का नाम बदल गया है, कहानी नहीं है, किरदारों के नाम तक बदल गए हैं, लेकिन कहते ना जोड़ियां नहीं बदली हैं, सास नहीं बदली है, बहू नहीं बदली है। तो ये बताइए वापस से उसी टीम के साथ काम करके कितना मजा आ रहा है अभी आपको? बहुत मजा आ रहा है। रूपल जी, नाजिम और वंदना जी, हम तीन तो है ही, हम चार तो है ही, यू नो पहले जिन हमने साथ में जो काम किया है, तो कुछ भी नहीं बदला है। आज भी हम वैसे ही एक दूसरे को मिलते हैं और हमारी बॉन्ड भी वही है। कई बार हम लोगों के साथ टच में नहीं रहते, लेकिन एक मुलाकात जो कुछ सालों के बाद होती है, आपको लगता है कि कुछ भी नहीं बदला है, बस लोग मैच्योर हुए हैं, लोग अपने परफॉर्मेंस में बेटर हुए हैं, अपने काम को लेके और सीरियस हुए हैं। सो इट्स अ ब्यूटीफुल चेंज टू सी। अच्छा देखिए, पुरानी टीम वापस से आई है, भले ही नई कहानी के आई है, लेकिन वो जो कुछ कुछ यादें हैं ना वो जहन में रह जाती हैं हमेशा। तो अभी हाल फिलहाल में जितना आपने शूट किया है, तो उसमें कभी आपको कोई ऐसी यादें हैं जो आपके एकदम तरोताजा हो गई हो शूट करते टाइम पे? जी बिल्कुल। लैपटॉप सीन जो हम प्रोमो शूट कर रहे थे, तभी बहुत सारी यादें रिफ्रेश हो गई थी मेरे लिए, क्योंकि जब पहली बार यू नो करीबन 8-10 साल पहले जब मैंने वो सीन शूट किया था, तो मैं कनेक्ट ही नहीं कर पा रही थी कि ये मैं कैसे करूं। फिर बहुत मुश्किल से मुझे अपने आप को कन्विंस करना पड़ा कि गोपी गोपी जो लड़की है वो एक यू नो शी इज नॉट एडुकेटेड, एंड वो अपनी बहन को बहुत ट्रस्ट करती है। तो बहुत मुश्किल से मुझे अपने आप को कन्विंस करना पड़ा, और जब वो सीन यू नो टीवी पे हमारे एपिसोड में दिखाया गया, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा और वो सीन वायरल होगा।
और जो हमने इस बार भी प्रोमो किया इतना खूबसूरती से लिखा हुआ है कि हम खुद का ही मजाक उड़ा रहे हैं और दिखा रहे कि मेरी जो सास है वो टेंशन में आ जाती है कि अरे बाप रे इसने फिर तो लैपटॉप नहीं धो दिया है। तो गोपिका जो है क्योंकि अब वो बोल रही है कि मैं अभी इतनी भी बुद्धू नहीं हूँ, मैं लैपटॉप नहीं धो रही हूँ, मुझे पता है क्या धोना चाहिए और क्या नहीं धोना चाहिए। सो आई थिंक सही इट्स बात, ब्यूटिफुल इफ यू कैन लाफ ऑन योर सेल्फ, इट्स ब्यूटिफुल जब जो चीज का लोग जिस चीज को लोग पसंद कर रहे हैं या जिस चीज का कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, एक पॉइंट ऑफ टाइम हम भी अपना मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है हो गया वो पास्ट में और लोगों को ये समझ में नहीं आता कि वो एक कैरेक्टर था, बट पीपल टेक इट वेरी सीरियसली के बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया है कि हेलो मेरा लैपटॉप खराब हो गया है, प्लीज आप आके धो दो। तो ये प्रोमो मेरा जवाब है उन सबके लिए कि हेलो नाउ सी देयर इज अ ट्रांजिशन, दिस इज अ प्रोमो फॉर यू, दिस इज द आंसर फॉर यू। देखिए लेकिन एक बात बोले, अपना मजाक उड़ाकर अगर दूसरे लोगों का एंटरटेनमेंट किया जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है जो वो गोपी ने की थी, हालांकि जे गोपिका भी करेगी, ये तो हमें पता है पूरा। हाँ सही कही कि नहीं? एब्सोल्युटली। और अच्छा मेरा ये मानना है कि आपने आपको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, यू शुड नॉट टेक योरसेल्फ टू सीरियसली, ताकि आप सब कुछ लाइफ में जो भी लाइफ आपके पास लेके आप हैंडल कर सको। अच्छा लेकिन देखिए, एक जैसा कि आपने कहा कि पहले आप लोगों को मतलब जब गोपी का किरदार निभाते थे तो बहुत सारे मैसेज भी आते थे, गोपी बुद्धू है, गोपी भोली है, गोपी क्यों नहीं बोलती। तो ये बताइए उनका देखा जाए तो जे कड़क जवाब है, गोपिका आई जवाब देने के लिए सबको। बिल्कुल। और मैं ये कहूंगी कि जो लोग गोपी के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं या उसका मजाक उड़ाते हैं, मैं ये कहूंगी कि ये उनका इग्नोरेंस है, क्योंकि किसी को जज करना बहुत आसान होता है, पर आपको किसी को जानने के लिए उन्हें ऑब्जर्व करना पड़ता है, यू हैव टू यूज योर ओन इंटेलिजेंस। लेकिन कुछ लोगों के पास जो ये है वो ज्यादा उनको यूज नहीं करना होता है, तो बस कंक्लूड कर देते हैं, जज कर देते हैं। तो मुझे लगता है जो लोग जज करते हैं वो सबसे बड़े बेवकूफ है, क्योंकि उनको मेहनत नहीं करनी है किसी को समझने में। तो जो लोगों ने गोपी का बिल्कुल सही, मजाक उड़ाया है वो लोग ने गोपी को समझने की ही कोशिश नहीं की कि वो क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, कितनी पढ़ी लिखी है। तो लोग जब समझते नहीं है तब जज करते हैं। तो मेरी उनको ब्लेसिंग है कि कभी वो अपना दिमाग यूज कर पाए और किसी को समझने की कोशिश करे। बिल्कुल सही। अच्छा लेकिन एक बात बताइए, देखिए वो जो एक सीरियल था उसने तो कहा जाए कि एकदम बुक में, गिनीज बुक में लिखा जाना चाहिए नाम की, जो साथिया इतना लंबा चला है। और अब ये अच्छा एक ही समय पे बैक टू बैक दो दो वहां साथिया पार्ट टू भी आ रहा है, और यह साथिया का स्पिन ऑफ, ये क्या कहेंगे इसको, ये अलग ही चल रहा है, अलग साथिया भी आ रहा है, तो इसकी खुशी कितनी है आप लोगों को? तो जैसे मैंने कहा कि मैं, मेरे लिए तो ये एक नया ही शो है, तेरा मेरा साथ रहे, वो कनेक्शन विद साथिया। साथिया वाज माय शो अ डेकेड बैक व्हेन आई डिड, एंड उसने मुझे वो शो ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आज मैं जो भी कुछ हूँ मैं उस शो के कारण हूँ, मेकर्स के कारण हूँ, चैनल के कारण हूँ, स्टार प्लस द प्रोडक्शन हाउस, एंड इट्स अ कंप्लीट टीम एफर्ट। बट आज जो मैं शो कर रही हूँ वो है तेरा मेरा साथ रहे, जो किरदार है वो है गोपिका। तो मैं बिल्कुल भी कंपेरिजन में नहीं जाना चाहूंगी, मैं बस अपने काम पे फोकस करना चाहूंगी, क्योंकि जब आप दूसरी चीजों के साथ कंपेयर करते हो, दूसरी जगह फोकस करते हो, जहाँ पे फोकस करना चाहिए वहां पे कम हो जाता है। एंड आई फील रिस्पॉन्सिबल के अगर मुझे ये किरदार दिया गया है, मैं रिस्पॉन्सिबली अपना 100% दे के यहीं पे फोकस करूँ और यहीं पे अपना 100% दू, और टीम वर्क से हम सब शो को उठाए। अच्छा लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, कही जाए आपका नाम है ना साथिया और गोपिका, और गोपी चाहे कुछ भी ले लो, इससे कनेक्शन है कुछ जिया का। कैसे देखिए साथिया गया लेकिन साथिया के बाद उसी का कुछ अलग नए नाम से नया सीरियल आ रहा है, टीम वही है। गोपिका का जो नाम है आपका जो किरदार, वो कौन सा एक भूतिया सीरियल आया था ना, ओमे गोपिका नाम था, याद है आपका, आप एंट्री किए थे तो नाम गोपिका था। तो ये जो जिया का कनेक्शन है इसके बारे में बताइए, जिया आपको लगता है कोई कनेक्शन है इसमें जरूर गोपी के साथ? मैं एक्चुअली सोचने नहीं जा रही हूँ कि क्या कनेक्शन है, बट जैसे आप बोल रहे हो मैं भी ये जो कॉमन चीजें हो रही है मैं भी इसे बस देख रही हूँ। बट मैं ये कहूंगी कि विद गॉड्स ग्रेस मुझे बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली है प्रोफेशनली। मेरे कुछ वेल विशर्स है, मेरे जो फैंस है, मेरे जो व्यूअर्स है, उनका इतना साथ रहा है, लोगों ने मेरे लिए बहुत अच्छी विशेष दी है। तो मैं सबको बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी कि इतने अच्छे मुझे कैरेक्टर्स मिले हैं प्ले करने के लिए। तो मैं
इसमें नहीं जाना चाहूंगी कि मुझे ये सेम नेम बार बार क्यों जुड़ रहा है। मैं बस ये देखूंगी कि जो अभी आ रहा है मेरे सामने, दैट इज अ गिफ्ट फॉर मी एंड लेट मी सी व्हाट इज द बेस्ट आई कैन डू फॉर इट। अच्छा देखिए, वो कहानी तो हम सबको पता है साथिया की, लेकिन ये जो तेरा मेरा साथ रहे, ये कहानी मतलब नई कहानी है, अलग कहानी है। तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कहानी का मतलब क्या है कहानी इसकी? छोटा तो क्लू तो दे ही बिल्कुल सकते हैं आप दर्शकों को। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दर्शकों को ये कहूंगी कि बहुत ही एक खूबसूरत कहानी है, बहुत ही आप इससे रिलेट कर पाएंगे। जो हमारे घर पे जो बहनें होती है, जो औरतें होती है, कई बार सोसाइटी की बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से आपके दिमाग में वो डाली जाती है कि आपको ये नहीं करना है, आपको वो नहीं करना है, आपको ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे नहीं बैठना है, ये सालों से चलता आ रहा है। और स्टार भारत जो है वो अपनी लीड हीरोइंस को एक इंस्पिरेशन के दौर पे लोगों के सामने लाते हैं, एक इंस्पायर करने के लिए जो नॉर्मल हाउसवाइफ्स है या जो भी औरतें हमारा शो देख रही है उनको इंस्पायर करती है, ये बताती है कि जो आपको मन को सही लगता है, जो आपके कॉन्शियंस को सही लगता है, आप उसके लिए खड़े रहिए, चाहे आपके साथ कोई हो या नहीं हो। आपको एज अ वूमन आपको निडर होना चाहिए, जो आपको विश्वास है कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, तो आपको वो नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि आज आज हम उस जनरेशन में, उस दौर में है जहाँ पे जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो लोग अच्छे खासे एजुकेटेड हैं, वो नॉर्मल लोग भी सोचते हैं नहीं मैं ये नहीं करूंगी, ये करूंगी तो लोग क्या सोचेंगे। तो ये लोग क्या सोचेंगे, ये इसको साइड हटा के हमें इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि हमें क्या सही लगता है और हम कैसे उस चीज के लिए आगे कदम रखें। जिसको साथ में रहना है रहेगा, जिसको नहीं रहना है नहीं रहेगा, हम अकेले आए हैं अकेले जाएंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप निडर होके, कॉन्फिडेंट होके अपने लिए खड़े रहो, क्योंकि एक औरत ही है जो एक जब एक फैमिली में जाती है, जो गृह लक्ष्मी बोलते हैं, तो जब एक औरत एक फैमिली में घर रखती है उस पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि एक फैमिली को जोड़ के रखे, एक फैमिली में वो चेंज लाए जो फैमिली में शायद मिसिंग है, और सोसाइटी में भी वो चेंज लाए जो शायद लोग देख के इंस्पायर होके, अरे ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, और एक बिल्कुल औरत सही। ही ये चेंज ला सकती है बहुत बड़े एंगल में। तो कीपिंग इन माइंड गोपिका, गोपी बहुत टैलेंटेड है, जैसे मैंने आपको कहा गोपी बहुत ही हिम्मत, गोपिका बहुत ही हिम्मत वाली है शो में, लेकिन वो कॉन्फिडेंट नहीं है, और उसी कॉन्फिडेंस के वजह से वो बार बार पीछे हटती है। तो कैसे उसके लाइफ में एक मेंटर आती है, कैसे वो उसे ग्रूम करती है, कैसे वो उसका आत्मविश्वास बढ़ाती है, और कैसे वो उसे एनकरेज करती है कि जा अपने सपने पूरे करो, सोसाइटी के बारे में मत सोचो, कैसे वो एक अंडर कॉन्फिडेंट लड़की से एक कॉन्फिडेंट पावरफुल फियरलेस औरत बनती है। सो ये कहानी है। देखिए, अभी मेंटोर की बात आई है तो इस सीरियल में मतलब पहला ऐसा सीरियल होगा जिसमें जो सास है वो अपनी बहू की मेंटोर बनी हुई दिखाई देंगी। क्यों, सही कही? बिल्कुल अच्छा एक बात बताइए, देखिए कहानी तो जैसा कि आपने कहा कहानी बिल्कुल डिफरेंट और नई है, तो जब आप लोग साथ में मिले तो मतलब कुछ ऐसी यादें जो आप लोगों ने साथ में शेयर की और बताई एक दूसरे को कि हाँ जब हम इतने साल अलग रहे और इतना याद किया, तो वो जो मोमेंट था पहले दिन का जो मिलना, वो जो मोमेंट था उसके बारे में बताइए, वो मोमेंट कैसा था? तो रूपल जी और मैं, हम लोग प्रोमो के लिए मिले थे और हम लोग इतने एक्साइटेड थे एक दूसरे के साथ वापस शूट करने के बाद, एक अरसे के बाद, कि हम लोग हमारी बातचीत, हमारा एक्साइटमेंट कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे। जो हमारे अच्छा डायरेक्टर सर थे उनको बोलना पड़ रहा था कि ओके रेडी, ओके एक्शन, मतलब जब तक वो एक्शन का 1 सेकेंड पहले तक हमारी बातें बंद नहीं हो रही थी। वी वर सो एक्साइटेड, और इतना कुछ था दैट शी वांटेड टू टेल मी, और इतना कुछ था दैट आई वांटेड टू टेल हर, एंड वी वर जस्ट थिंकिंग कि कैसे सीन्स करना है, कैसे हम इस शो को आगे बढ़ाएंगे, कैसे कैरेक्टर ग्राफ आगे बढ़ेगा, कैसे हम दोनों मिलके सीन में क्या इनपुट डाल सकते हैं, जो स्क्रीन प्ले में लिखा है, जो स्क्रिप्ट के डायलॉग्स है उससे बियॉन्ड जाके हम दोनों एज आर्टिस्ट, एज कैरेक्टर्स एंड एज इंडिविजुअल्स कैसे पर्सनली और प्रोफेशनली एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। तो ये मेरा और रूपल जी का बहुत ही खूबसूरत डिस्कशन हुआ प्रोमो शूट के दिन पे ही। मतलब पता चलने मतलब अब ये है कि खूब सारी ऑफ स्क्रीन मस्ती हम लोग को भी नजर आने वाली है, हम लोग कभी मतलब हमारे कैमरा कैद करके लेकर आएगा जरूर। अच्छा एक बात बताइए, जिया मानिक और गोपिका कितनी सिमिलर है, मतलब कितनी एक जैसी हैं और कितनी डिफरेंट हैं, ये दो चीजें बताइए, जिया और गोपिका। तो मैं
सिमिलैरिटी ये कहूंगी कि जिया मानिक जो थी पहले, वो भी बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी। गोपिका के तरह उसमें भी टैलेंट था लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था। गोपिका की तरह वो भी जानती थी कि उसमें बहुत हिम्मत है, लेकिन जो उसका कॉन्फिडेंस है उसके वजह से वो अपनी हिम्मत को पहचान नहीं पा रही थी। और जिया सोचती थी कि वो उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन जैसे जैसे लाइफ सिचुएशंस आए, जिया को रियलाइज हुआ गोपिका के तरह कि नहीं, मुझमें तो बहुत स्ट्रेंथ है, मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मैं वीक हूँ। और जैसे आप शो में देखोगे कि गोपिका का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम बींग अंडर कॉन्फिडेंट टू अ फियरलेस पावरफुल वुमन, वो मेरा भी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। जो भी कॉन्फिडेंस इश्यूज थे सारे चले गए हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस इश्यूज नहीं है, किसी बात का डर नहीं है, एंड आई एम जस्ट फेसिंग लाइफ एज इट कम्स। एंड जो ट्रांजिशन आपको गोपिका में दिखेगा फ्रॉम गोपिका टू नाउ टू गोपिका लेटर, वो एक ट्रांजिशन से मैं पर्सनली अपने लाइफ में गुजर चुकी हूँ, तो मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर पाती हूँ जब मैं सीन बनाया करती हूँ कि क्या महसूस कर रहा है कैरेक्टर, क्योंकि मैं वो चीज महसूस कर चुकी हूँ पहले। और जब मैं कॉन्फिडेंट हुई, जब मैं फियरलेस हुई, आज मैं कैसी हूँ, तो जब वो टर्न ओवर ही आया, मुझे पता है मुझे कैसे उसे कैसे उसे प्रेजेंट करना है। जे बात देखिए, आपने गोपी गोपिका और जिया का रिलेशन तो बता दिया, लेकिन सास बहू और जो बेटियां हैं उसके साथ जिया का एक अलग ही रिलेशन है, कई सालों से जुड़ा है। तो क्या कहेंगी सास बहू और बेटियां के लिए? इट्स अ ब्यूटिफुल लॉन्ग जर्नी जो हमने साथ में क्रॉस किया है, एंड मैं थैंक यू कहना चाहूंगी कि आपने भी पर्सनली एज फॉर मी जिया एंड एज एन आर्टिस्ट आल्सो आपने बहुत साथ दिया मेरा, एंड डेफिनेटली हम सब हैंड इन हैंड, वी आर टुगेदर हैंड इन दिस, बिकॉज हमारे बिना आप इनकम्प्लीट हो और आपके बिना हम और इनकम्प्लीट आपके है, बिना सो आई हम थिंक इनकम्प्लीट है। सही कही। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका और मेरा हमेशा से साथ रहा है, तो मैं ऑडियंस को भी यही कहना चाहूंगी कि जैसे तेरा मेरा साथ पहले रहा है, वैसे तेरा मेरा साथ इस शो के साथ भी आगे ही वैसे ही चलता रहे, और शो खत्म होने के बाद भी चलता रहे। अभी चलता रहे। बिल्कुल सही बात कही। आपके साथ बात करके बहुत मजा आया। जिया, अब जिया बोले कि गोपिका समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ ये बोलेंगे कि ये गोपिका का किरदार भी आप बखूबी निभाएंगी और सबकी दिल की फेवरेट बन जाएंगी। चलिए, थैंक बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी दर्शकों से हम अलविदा कहेंगे और कहेंगे कि सास बहू और बेटे का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसे ही जो गोपिका बैठी है ना, जे आती रहेंगी हमारे साथ इसी तरह खूब सारी बातें यस करने के लिए। कैसे आएंगी ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चलिए, बाय बाय। अपना ख्याल बाय रखिएगा और अच्छे से बाय, छुट्टी नमस्ते लीजिएगा। यू टू, नमस्ते, बाय 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 बाय, नमस्ते। बाय।